एक और पेडिग्री प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो पेडिग्री प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा, इसमें ये देखा जाएगा कि क्या ये एक्स लिंक्ड कैरेक्टर है, क्या ये ऑटोसोमल लिंक मतलब ऑटोसोमल प्रॉब्लम है, क्या ये डोमिनेंट है यानी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, या एक्स लिंक रिसेसिव है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है या ऑटोसोमल रिसेसिव है। ये पॉसिबिलिटीज हम चेक करेंगे। ये कैसे होगा? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले फर्स्ट जेनरेशन में जो फादर है यानी मेल है वो अफेक्टेड है, फीमेल अफेक्टेड नहीं है, ये इन्फेक्टेड नहीं है। सेकेंड जेनरेशन में इनके जो चाइल्ड्स हैं यानी ये 1, ये 2 और ये 3, ये जो है कोई भी इफेक्टेड नहीं है, यानी ये डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं है, ये रिसेसिव है। तो पहली चीज तो फिक्स हो गई कि इट इज अ रिसेसिव कैरेक्टर, इट इज अ रिसेसिव ट्रेट, इट इज अ रिसेसिव ट्रेट, दिस इज कंफर्म। इस चार्ट से ये कंफर्म हो गया। इसके बाद थर्ड जेनरेशन में नॉर्मल फीमेल की शादी नॉर्मल मेल से हुई, यहाँ पे फीमेल अनइफेक्टेड है, फीमेल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेल चाइल्ड में प्रॉब्लम है, ये इफेक्टेड है। सेकेंड, नॉर्मल मेल नॉर्मल फीमेल, यहाँ पे कोई भी इफेक्टेड नहीं है। फिर थर्ड, नॉर्मल फीमेल नॉर्मल मेल कोई भी इफेक्टेड नहीं है, यानी ये वाई लिंक्ड कैरेक्टर तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वाई पे होता तो कम से कम एक मेल मेल तो सारे के सारे इन्फेक्ट हो जाते, तो ये वाई से लिंक होने से रहा। ऑटोसोमल होता तो भी सेकेंड जनरेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती। इट मीन्स इट इज एक्स लिंक्ड कैरेक्टर, मीन्स ये सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स है, सेक्स लिंक्ड, इट इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। इस पेडिग्री एनालिसिस से हम ये पता कर लेते हैं कि ये सेक्स लिंक्ड यानी एक्स लिंक्ड, उसको एक्स लिंक भी नॉर्मली कहा जाता, और ये रिसेसिव ट्रेट है, डोमिनेंट नहीं है। तो ये बहुत ही आसान और शॉर्ट तरीका हो गया इस तरह की पेडिग्री को सॉल्व करने का। अब ये एक नया पेडिग्री है और ये बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का केस है। इसमें चार जेनरेशंस दी हुई हैं, पेरेंट जेनरेशन फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, चार जेनरेशंस दी हुई हैं और चारों से ये देख के बताना है कि ये ट्रेट कैसा है, ऑटोसोमल ट्रेट है या सेक्स लिंक ट्रेट है और रेसेसिव है या डोमिनेंट है। तो सबसे पहले तो हम ये डिसाइड कर लेंगे कि ये रिसेसिव है या डोमिनेंट है, रिसेसिव है या डोमिनेंट है। ये कैसे डिसाइड होता है? जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे होता है, पेरेंट जनरेशन में कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है, इसके बाद सेकेंड जनरेशन में एक मेल चाइल्ड अफेक्टेड है, अगर ये डोमिनेंट कैरेक्टर होता तो यहाँ किसी को भी इन्फेक्शन नहीं होता, इट मीन्स इट इज अ रिसेसिव केस, तो डोमिनेंट नहीं है ये। ये क्या है? ये एक रिसेसिव केस है। अब ये देखना है कि ये ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। तो सेकेंड जेनरेशन में केवल एक मेल चाइल्ड इफेक्टेड है या इसको इन्फेक्शन हुआ है, इसकी शादी नॉर्मल फीमेल से हुई है, मेटिंग हुआ है, और इसके चाइल्ड में किसी को भी इन्फेक्शन नहीं है, तो ये तो 100% रिसेसिव केस ही है, इसमें तो कोई चांस ही नहीं है ये डोमिनेंट हो जाए। फिर इनकी जो फीमेल चाइल्ड है उसकी मेटिंग एक नॉर्मल मेल से हुई है, लेकिन यहाँ पे इसके जो दो चाइल्ड हुए हैं ये दोनों के दोनों मेल हैं और इसमें से एक इन्फेक्टेड है, इसका मतलब ये ऑटोसोमल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऑटोसोमल होता तो मेल और फीमेल दोनों में होता, लेकिन यहाँ पे आगे भी देख लेते हैं, यहाँ पे जो मेटिंग हुई है नॉर्मल फीमेल नॉर्मल मेल चाइल्ड मतलब नॉर्मल फीमेल चाइल्ड और नॉर्मल मेल से मेटिंग हुई है, इनके चार चाइल्ड हैं, पहला मेल इन्फेक्टेड है, दूसरा मेल नॉर्मल है, फीमेल नॉर्मल है और चौथा फीमेल फिर से नॉर्मल। तो जब इसकी मेटिंग नॉर्मल फीमेल से हुई तो इसके तीन चाइल्ड हुए और ये तीनों इन्फेक्टेड नहीं थे, मीन्स ये रिसेसिव है, डोमिनेंट नहीं है। और सिंपली ये फिर क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि ये ऑटोसोमल नहीं है, क्योंकि इस पूरी पिडिग्री में कहीं भी फीमेल है ही नहीं। तो अगर ये
डोमिनेंट केस होता तो फीमेल जरूर इन्फेक्टेड होती, ऑटोसोमल होता तो भी फीमेल इन्फेक्टेड होती, यानी फीमेल में इन्फेक्शन नहीं है तो ये ऑटोसोमल बिल्कुल भी नहीं है। इट मीन्स इट इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर। तो इस पेडिग्री चार्ट से हमें ये पता चलता है कि ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर है, रिसेसिव ट्रेट है, और ये बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का केस है। थैंक यू।